मेरी टिकट। जाना चलिए एक आपने रखी तो ये है जू की मेन एंट्रेंस। ये जू का मैप है, ये फुल जू जहाँ जहाँ पे जो जो जानवर पाया जाता है ये उस जगह का है। जनाब ये इस टाइम में हम लोग सब रेडी हैं और आ चुके हुए हैं लाहौर जू में। तो जनाब इस टाइम वक्त है 3:30 और हमारे साथ ये सबा किरण भी मौजूद हैं, सुंबल सोमी भी मौजूद हैं और एक छोटा बच्चा भी हमारे साथ है पर वो इस टाइम सो गया है। बड़ा एक्साइटेड था जब हम सब निकले थे, ये बड़ा खुश हो रहा था लेकिन अब ये जब यहाँ पहुँचा है तो सो गया है। हाँ हमारे साथ सेहून भी है, ये सेहून। हम सारे ही जू आए हुए हैं और आज सोचा कि काफ़ी देर बाद हम लोगों ने व्लॉग बनाने का सोचा तो आज हम जो है ना लाहौर जू का जो है वो व्लॉग बनाने के लिए आ चुके हैं। एंट्रेंस पे ही आगे स्नेक हाउस है जिसकी टिकट तकरीबन 50 रुपये फीकस मतलब एक बंदे के हिसाब से। इस तरफ जो जानदार मौजूद हैं ये है हिरन। इस टाइम जॉन को उठाने की सारे कोशिश कर रहे हैं। लायन है सामने, वो देखें किधर किधर लायन देख के हैरान हो गया। व्हाइट कलर का अभी तक नींद में है, कह रहा है ख्वाब में तो नहीं नींद। लायन आ गया, पानी लेके इसका देना, वो इसको पानी पिलाओ जरा। ये वाइट टाइगर है शायद। फाइनली जो है शॉन उठ चुका है और वो हैरान हो गया ये कहाँ पे पहुंचा हूँ। ये लायन हाउस है, वो ये है अंदर। ये एक लायन अंदर सोया है। उस नोट के कहने में कुत्ता थोड़ी जिसमें बुखार है। मैं शेर हूँ। तो मैंने मैं अभी तक व्लॉग मिस किया नहीं, बोली थी कि मैं काफ़ी देर के बाद आएंगी और मैं थोड़ी जो व्लॉग स्टार्ट की तो सबसे पहला व्लॉग हमने दो कर दिया था कि वो थोड़ा सही नहीं था बनाने की वजह से हम लोगों ने अपलोड नहीं किया, लेकिन ये वाला जरूर अपलोड करेंगे। देख सकते हैं इसकी जो साइंसी नेम है पैंथ्रा लियो, दर्जा वॉलनरेबल और वज़न है इसका 150 to 200 किलोग्राम, 200 किलो का है तकरीबन। 20 साल की इसकी उम्र होती है। ओके जी, लाहौर ज़ू जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़ू है और बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है। बैठ जा चल।
मामू खोले लाओ दो मंकी बोले आ गया मंकी आ गया आ गया आ गया हेलो मंकी ताला बंद है मंकी सूजी तो मर गया ये क्या है शोर गिलहरी बैठी ये दूसरे देखिए इसके सीन भी गायब है कौन ये क्या गाय क्या गायब मैंने कहा ना गायब 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 नहीं है शॉन डियर ये पाड़ा हिरन है ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखे पाड़ा हिरन तो ये पाड़ा हिरन है तो जू में कहीं ना कहीं पाई जाती होगी लेकिन इस टाइम ये जू में पाई जाती है चले भाई आगे ये इसके बारे में पाड़ा नहीं पाड़ा डियर के बारे में ये देख सकते हैं आप ये है ये वजन भी इसका ड्यूरेशन भी तो गाइस आपको कैसा लग रहा है गाइस घूम के मजा आया मेरे ये वुल्फ है भेड़िया तो ये भेड़िया की किस्म है वाइट वुल्फ है ये बड़ा जबरदस्त है ये वुल्फ वो जो शॉन देखता है भूखा भालू वही वो जो भूखा भालू कैसे करता है कैसे ये बियर है बियर कैसे करता है भूखा भालू वाउजे देखा बुक बालू बालू इधर कुछ नहीं खा ले वो रे नीचे उतरने लगा सो और सीढ़ियां उतर वो देखते हैं कैसे अच्छे हैं ये तो कुछ नहीं कुछ नहीं खाने वो देख मामा Non li trovo il modo di stampa.
जिराफा देखे, जिराफ देखे, इधर आओ। कौन वो देखो, वो क्या है, वो क्या है? जाफा। जाफा। इसके अंडे बहुत ज्यादा बड़े साइज के होते हैं। वेरी गुड क्लैपिंग शॉन के लिए। पिग्स है, ये गिनी पिग्स हैं, छोटी छोटी, और स्पैरो भी हैं इधर, तो छोटी छोटी स्पैरोज हैं, गिनी पिग्स। ये दरख्त आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 400 साल पुराना दरख्त है, और कई बादशाहों का इसने अरूज भी देखा, कई जवाल देखे, यानी ये पाकिस्तान बनने से पहले का दरख्त है, यानी बहुत ही पुराना दरख्त है। और ये समझ लें कि ये इस हद तक पुराना दरख्त है, 400 साल पुराना, और पाकिस्तान को बने भी 400 साल हो गए। तो ये था आपका चार साल इतनी बड़ी मछली है, वो देखे, ये नजर आई है कितनी बड़ी है, वो देख ये देख कितनी बड़ी, नहीं नहीं वो देख, वो देखो मछली है, फिशी के अंदर वो ब्लैक ब्लैक तुम्हारी मछली। वरना यार सुन, प्यारे प्यारे कौन वो कह रहा है जीजी दे दो, नहीं पक रही है। नहीं नहीं सर नहीं। तो अभी हम लोग थक भी गए हैं, और शाम के जो है वो तकरीबन 5:20 हो रहे हैं, और अभी हम लोग मूव कर रहे हैं लॉरेंस गार्डन की तरफ। हो सकता है कि हम लोग लॉरेंस गार्डन जाएं और फिर उसके बाद हम लोग घर जाएं। हम काफ़ी थक चुके हैं, तो हमारा ख्याल है कि अभी वापस चलना चाहिए, धूप भी अभी है। ये देखिए ये कुछ जानवर हैं, ये नील का है, लिखा हुआ है ये वाकई नील का है, मेरे ख्याल में शायद नील का है। वो देखो कितनी
को जो है वो काफी बड़ा है और हमने सारा ही घूम लिया, सारा ही सफर किया है, घूमा है, फिर इसी वजह से काफी ज्यादा थक गए क्योंकि तब से जाना घूम रहे थे। बस अभी यहाँ से निकलने लगे हैं बाहर और साथ ही लागोस गार्डन है जहाँ हमारा पहले भी ब्लॉग था, देखते हैं अगर गए वहाँ पे तो छोटी सी वीडियो बनाएंगे जरूर दिखाएंगे तब में और अब में क्या फर्क है।